हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम लॉग और एंटी लॉग टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। फर्स्ट वी विल लर्न हाउ टू यूज़ लॉग टेबल। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 17.38, हम इसका लॉग फाइंड करते हैं। तो लॉग फाइंड करने के लिए पहले आपको क्या देखना है कि डेसिमल पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स दिए हुए हैं। डेसिमल पॉइंट के पहले यहाँ पर देखो सिर्फ दो ही डिजिट है, 1 और 7। तो जितने भी डिजिट दिए हुए हैं उसमें से आपको 1 माइनस करना है। यहाँ पे 2 डिजिट्स दिए हुए हैं इसीलिए हम 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 1। तो हमारा आंसर भी हम 1 पॉइंट करके लिखेंगे। ओके, अब हम लॉग वैल्यू में लॉग टेबल में से इसकी वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं। तो उसके लिए एक बार आप डेसिमल पॉइंट को इग्नोर कर दो तो आपके पास क्या नंबर बचेंगे, 1, 7, 3 और 8, ये 4 डिजिट रहेंगे। तो ये 4 डिजिट को हम लॉग टेबल में हमें देखना है। ये रही हमारी लॉग टेबल, मैंने ऊपर साइड में लिख दिया है लॉग ऑफ 17.38। अब डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करिएगा आप, पहले दो डिजिट को ऑब्जर्व करो, 17 है पहले दो डिजिट, 1 और 7। तो ये जो 17 है ना, हमें ये साइड वाली कॉलम में देखना है। ये साइड वाली कॉलम हमेशा 10 से शुरू होगी लॉग टेबल में। तो 17 ये रहा हमारा। ओके, पहले दो डिजिट यहाँ साइड में देखना है। फिर थर्ड डिजिट आपको ये ऊपर वाली रो में देखना है, 0 to 9 वाले में, ये रहा 3। थर्ड डिजिट हमारा 3 है तो हम 3 देखेंगे। अब ये 17 और 3 का इंटरसेक्शन आ रहा है 2380। तो ये 2380 लॉक की वैल्यू हुई हमारी। अब यहाँ पे लेकिन फोर्थ डिजिट में दिया हुआ है 8 दिया हुआ है ना, हमारा चौथा डिजिट 8 है। तो हमें फोर्थ डिजिट, ये जो साइड में देखो मेन डिफरेंसेस की कॉलम दी हुई है ना, इसमें हमें 8 देखना है, ये रहा। तो 8 का और 17 का जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, ये 20 पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों। तो अब ये जो दोनों इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ है ना, 2380 and 20, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2400। तो अब हमने जो 1 पॉइंट लिखा था ना, तो 1 पॉइंट के बाद में आपको ये 2400 लिखना है। ये आपकी हो गई लॉग की वैल्यू फॉर 17.38। ओके, अगर पॉइंट के पहले 3 डिजिट दिए हुए हैं तो हम 3 माइनस 1 2 पॉइंट करके हमारा आंसर लिखेंगे। अगर सिर्फ पॉइंट के पहले 1 ही डिजिट दिया हुआ है तो हम 1 माइनस 1 0 पॉइंट करके हमारा आंसर लिखेंगे। ओके, वो भी हम देखते हैं। सपोज़ लॉग ऑफ 1.738 है। अब देखो मैंने वापस से वही 4 सेम नंबर लिए हैं, 1, 7, 3 और 8, लेकिन पॉइंट शिफ्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे पॉइंट के पहले सिर्फ एक ही नंबर है, ओनली 1 डिजिट इज़ देयर। सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हमारा आंसर भी 0 पॉइंट करके ही होगा। वापस से अब 17 और 3 और 8 की हम वापस से लॉग वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे टेबल में से। सेम उसी तरह से करना है, डेसिमल पॉइंट को इग्नोर करो, 4 नंबर आपके पास आएंगे, 1, 7, 3 और 8। तो पहले दो डिजिट आप 17 साइड में देखोगे, फिर 3 वाला ऊपर देखोगे, फिर चौथा डिजिट मेन डिफरेंस में देखना है। तो वापस से 2400 ऊपर वाली वैल्यू सेम ही आएगी, तो हम 0 पॉइंट करके 2400 डायरेक्टली लिख देते हैं। तो ये लॉक की वैल्यू हो गई फॉर 1.738। अब इसके बाद सपोज़ करो कि लॉग ऑफ 3 फाइंड करना है। मैंने आपको लॉग टेबल दिखाई थी तब मैंने बोला था कि लॉग टेबल 10 से शुरू होती है, लेकिन सपोज़ आपको सिंगल डिजिट का अगर लॉग फाइंड करना है तो आप क्या करोगे। तो सिंगल डिजिट के लिए आपको एक एक्स्ट्रा 0 लगाना है उसके आगे, यानी कि 3 है ना, तो 3 के आगे एक 0 लगाओ तो 30 बन जाएगा। तो 30 का आपको लॉग फाइंड करना रहेगा। अगर लॉग ऑफ 2 है तो वो 20 हो जाएगा, 4 है तो 40 हो जाएगा, 1 है तो 10 हो जाएगा, 9 है तो 90 हो जाएगा, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे 3 है तो हम 30 का करेंगे लॉग। ओके, अब वापस से यहाँ पे ये एक ही डिजिट है, 3 ही दिया हुआ है, तो हमें 1 माइनस 1 करना क्या होगा। उसके लिए वापस लॉग आ गई हमारी लॉग टेबल, ऊपर साइड में मैंने लिख दिया लॉग ऑफ 3, 3 है लेकिन हमें 30 करना है। ओके, तो वापस से 30 आप ये साइड वाली कॉलम में देखो, 30 ये रहा। अब 30 के आगे कोई और नंबर तो थर्ड डिजिट या फोर्थ डिजिट तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 30 में ये जो 0 है ना ऊपर वाली, 0 to 9 में जो 0 है ना, तो हम 30 का 0 वाली वैल्यू ही ऑब्जर्व कर लेंगे। ओके, तो ये 30 का 0 आ जाएगा 4771। तो हम यहाँ पे 0 पॉइंट के बाद में लिखेंगे 4771।
तो ये हमारी log ऑफ 3 की वैल्यू हो गई। आई होप कि आपको log टेबल समझ आ रहा होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब हम एंटी लॉग टेबल का यूज़ करना सीखेंगे। यहाँ पे हमारे पास नंबर है 0.7123, इसका हम एंटी लॉग निकालेंगे। एंटी लॉग लॉग से एकदम उल्टा होता है। ओके, यहाँ पे हमें सिर्फ पॉइंट के बाद में जो भी नंबर्स है सिर्फ उन्हीं को ही हमें टेबल में देखना है। पॉइंट के बाद में देखो क्या क्या है, यहाँ पे 7123, तो हम इन्हीं को ही सिर्फ लॉग एंटी लॉग के टेबल में हम ऑब्जर्व करेंगे इनकी वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ये रही हमारी एंटी लॉग की वैल्यू, मैंने ऊपर साइड में लिख दी है। सॉरी, वहाँ पे एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7123। तो वापस से पॉइंट के बाद में सिर्फ चार नंबर देखो, पहले दो डिजिट क्या है, 71 है, तो 0.71 है ना, तो ये हमें पहले दो डिजिट साइड वाली कॉलम में देखना है एज इट इज़। जैसे हम लॉग टेबल में देखते थे वैसे ही देखना है, पहले दो डिजिट साइड वाले में 71 ये रहा हमारा। ओके, फिर थर्ड डिजिट हमें ऊपर वाली रो में देखना है 0 to 9 वाले में। थर्ड डिजिट हमारा 2 है, पॉइंट के बाद 2 है ना थर्ड डिजिट, तो 2 ये रहा। तो 0.71 और 2 का इंटरसेक्शन आ रहा है 5152, ये लॉग की टेबल है, लॉग की वैल्यू है सॉरी। ओके, तो 5152, लेकिन अब यहाँ पे चौथा डिजिट भी दिया हुआ है 3, तो ये 3 आपको मेन डिफरेंस वाली रोज में देखना है 1 to 9 में, ये रहा 3। तो 0.71 और 3 का इंटरसेक्शन आ रहा है 4 पे। अब वापस से जो दोनों इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ है उनको ऐड कर दो, 5152 एंड 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आएगा 5156। तो आपको यहाँ पे लिखना है 5156, लेकिन ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सम, अभी हमें इसमें डेसिमल पॉइंट भी रखना है ये नंबर में 5156 में। अब वो कैसे रखेंगे, तो अभी ध्यान से देखना, पॉइंट के पहले जो भी नंबर दिया हुआ है, अब आपको डिजिट नहीं देखना है कि कितने डिजिट दिए हुए हैं, सिर्फ पॉइंट के पहले जो भी नंबर दिया हुआ है एज इट इज़ वो नंबर है ना, यहाँ पे 0 है पॉइंट के पहले, तो ये 0 में आपको 1 प्लस करना है। लॉग में हम -1 करते थे, यहाँ पे एंटी लॉग में +1 करना है, उल्टा करना है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम डिजिट चेक नहीं कर रहे हैं कि पॉइंट से पहले सिर्फ एक ही डिजिट दिया हुआ है, तो हम 1 में से 1 प्लस नहीं कर रहे हैं, हम जो नंबर दिया हुआ है हम उसी में ही 1 प्लस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है इसमें। ओके, तो 0 में +1 करोगे तो आएगा 1, तो ये 1 मतलब आपको 1 डिजिट के बाद में आपको पॉइंट पुट करना है, यानी कि यहाँ पे 5, एक ही डिजिट के बाद में 5 के बाद में डेसिमल पॉइंट रखो तो आएगा 5.156 आंसर आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.7123। ओके, ऐसे ही हमें एक और सम करते हैं 0.0347। वापस से देखो, पॉइंट के बाद के ही चार नंबर आपको देखना है 0, 3, 4 एंड 7। ओके, तो लॉग टेबल में आ जाते हैं, ऊपर वापस से मैंने साइड में लिख दिया है 0.0347। तो वापस से पहले दो डिजिट पॉइंट के बाद क्या है, 0 और 3, तो 0, 3 हमें ये साइड वाली कॉलम में ऑब्जर्व करना है, 0, 3 ये रहा ऊपर के साइड में ही है 0, 3। ओके, फिर थर्ड डिजिट हमें यहाँ पे ऑब्जर्व करना है 0 to 9 वाली रोज में, तो थर्ड डिजिट हमारा 4 है, तो हम 4 ये रहा, तो 0.03 और 4 का इंटरसेक्शन 1081 पे आ रहा है, ये हमारी लॉग की वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे चौथा डिजिट भी दिया हुआ है, वापस से 7 दिया हुआ है, तो ये चौथा डिजिट जो है वो हम मेन डिफरेंस वाले में देखेंगे, तो 7 ये रहा, तो 0.03 और 7 का इंटरसेक्शन 2 आ रहा है, तो ये जो दोनों इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज़ है ना 1081 एंड 2, इन दोनों को वापस से ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 1083, तो हम यह लिखेंगे 1083। अब फिर से डेसिमल पॉइंट कहाँ पुट करेंगे, तो देखो पॉइंट के पहले फिर से 0 ही दिया हुआ है। ओके, जो भी नंबर है उसमें 1 प्लस करो, तो 0 है तो हम 0 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 1, यानी कि हमें 1 डिजिट के बाद में पॉइंट रखना है, तो हम 1 डिजिट यानी 1 के बाद में रखेंगे, तो 1.083 ये आंसर आ जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 0.0347। ओके, आई होप कि आपको लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दोनों ही समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ताकि आपको आगे की वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।